नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं कि एप्लीकेशन आप किस प्रकार से लिख सकते हैं कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट के लिए। तो आज की इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखें, वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं एप्लीकेशन फॉर कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट, यानी कि आपके कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन किस प्रकार से लिखना है। तो सबसे पहले टॉप में हम लिखेंगे टू, उसके बाद द प्रिंसिपल, मतलब कि इस एप्लीकेशन को जब भी हम लिखेंगे तो हम प्रिंसिपल के पास लिखेंगे, अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के पास इस एप्लीकेशन को हमको लिखना होता है। तो हम लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, उसके बाद जो भी आपके कॉलेज का नाम है अपने कॉलेज का नाम आप लिखेंगे, उसके बाद अपने कॉलेज का जो भी एड्रेस है वो आपको एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद आज का जो भी करेंट डेट होगा वो करेंट डेट आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डेट को बिल्कुल गलत तरीके से लिखते हैं। मान लेते हैं कि आज 22nd of August है, ठीक है, 2024, ठीक है। तो डेट हमको बिल्कुल इस प्रकार से ही लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट डिफरेंट तरीके से डेट्स लिखते हैं, तो डेट लिखने का करेक्ट फॉर्मेट ये होता है। तो कभी भी आप जब भी डेट लिखेंगे तो डेट आपको इस प्रकार से लिखना है। उसके बाद आपको फिर यहाँ पे एक लाइन लीव करना होता है। एक लाइन लीव कर देने के बाद आप यहाँ पर मेंशन करते हैं आपका सब्जेक्ट। तो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा फ्रेंड्स, वो आपको ब्रैकेट में लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे रिक्वेस्टिंग फॉर कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट, यहाँ पर हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे। फिर यहाँ पे हमको एक लाइन लीव करना है, उसके बाद यहाँ पे हम सैल्यूटेशन लिखेंगे। तो सैल्यूटेशन में लिखेंगे सर और मैम, अगर आप मिशनरी कॉलेज से पास आउट हुए हैं तो यहाँ पे लिखेंगे रिस्पेक्टेड सिस्टर, ठीक है। क्योंकि जब भी हम किसी को सर या मैडम बोल रहे होते हैं हम किसी को रेस्पेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप मिशनरी कॉलेज से पढ़े हैं आपकी जो प्रिंसिपल है वो सिस्टर प्रिंसिपल है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे रेस्पेक्टेड सिस्टर, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे पैराग्राफ को चेंज करते हुए यहाँ पे लिखना है, यहाँ से आपकी बॉडी एप्लीकेशन की स्टार्ट हो जाती है टिल हेयर, तो यहाँ पे हम बॉडी को कुछ इस प्रकार से स्टार्ट करेंगे। विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू से डैट आई एम, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, जैसे कि आपका नाम सुधांशु पांडे है तो आप लिखेंगे यहाँ पे विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू से दैट आई एम सुधांशु पांडे, आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन ऑन BA। अगर आपने BA किया है तो आप BA ऑनर्स लिखेंगे, अगर आपने BSc ऑनर्स किया है तो आप BSc ऑनर्स लिखेंगे, अगर आपने BCom किया है तो आप यहाँ पे BCom लिखेंगे। वो आपके ऑनर्स पेपर पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा ऑनर्स किया है। फ्रॉम योर कॉलेज इन द सेशन, जो भी आपका कॉलेज का सेशन रहा है वो आप यहाँ पे सेशन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है एज आई एम अप्लाइंग फॉर हायर स्टडीज़, अगर आप यहाँ पे उच्च शिक्षा के लिए जा रहे हैं तो आप लिखेंगे यहाँ पे हायर स्टडीज़ और हायर एजुकेशन। अगर आप यहाँ पे नौकरी के लिए जा रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे एज आई एम अप्लाइंग फॉर दी जॉब, ठीक है। तो दोनों में से आपका जो भी है वो आप यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद आई नीड टू सबमिट माई कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट TC, आई हैव नो पेंडिंग ड्यूज, यानी कि हमारा पहले का कोई भी बकाया नहीं यहाँ पे बाकी रह गया है। देयरफोर आई एम रिक्वेस्टिंग यू काइंडली इशू माई कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट TC एज सून एज पॉसिबल, यानी कि जितनी जल्दी हो सके मुझे मेरा TC जल्दी से जल्दी दे दीजिए ताकि मैं अगले जगह पे हायर एजुकेशन के लिए जा सकूं। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए जाना चाह रहे हैं, अगर आप नौकरी के लिए जाना चाह रहे हैं तो आपके जॉब के लिए आप जल्दी से जल्दी जा पाएं। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे आई शैल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस, यानी कि इस कार्य के लिए मैं सदा ही आपका आभारी रहूँगा या आभारी रहूंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको पैराग्राफ को चेंज करना है, एक लाइन यहाँ पे आपको लीव करना है। एक लाइन यहाँ पे लीव कर देने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे थैंकिंग यू, ठीक है, आपको धन्यवाद प्रकट करना है। तो थैंकिंग यू लिखने के बाद योर्स ओबीडियंटली अपना पूरा नाम, अपना एडमिशन नंबर, अपना रोल नंबर और अपना जो भी डिपार्टमेंट रहा था वो लिखेंगे। जैसे डिपार्टमेंट में आपका BA साइकोलॉजी रहा है तो आप लिखेंगे BA साइकोलॉजी, अगर आपका BSc रहा है तो BSc लिखेंगे, और फिर आपका जो भी रहा हो बॉटनी या फिर जूलॉजी वो आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से बड़े ही आसानी तरीके से आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं अपने कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट के लिए। आशा करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस अवश्य करें। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।